राजपूत समाज पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने पर समाज द्वारा थाना प्रभारी कसरवत को ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग सेलिब्रिटी बनकर समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने अपना करियर बनाया है, लेकिन कुछ सिलसिले लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसी तरह का काम कसरवत तहसील के ग्राम रणगांव के दयाचंद यादव द्वारा किया गया, जिसने फेसबुक पर लाइव आकर समाज विशेष के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर राजपूत समाज ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए थाना प्रभारी कसरवत के नाम ज्ञापन देकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। कसरवत से अखिल खान की रिपोर्ट। कि सत्य अहिंसा परमो धर्म यदा यदा, मतलब जब जब धरती पर धर्म घटेगा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जिस प्रकार खाटू श्याम जैसे मैं हूँ, छोटा भाई आपका दया, आपको जब भी एहसास हो कि आपको या आपकी जरूरत है, मैं हार जाऊँगा आपके लिए, मेरे प्राण तक दे दूंगा, पर इन गद्दारों के लिए कुछ नहीं करना, इनको तो बस इनकी औकात दिलाओ। ये क्या है, इनका वायरल वीडियो करो, ये दारू पीते हैं कि क्या गलत करते हैं, कि धर्म के नाम पर कहाँ पाखंड करते हैं, इनको बस इनकी बस इनकी जीवनी बनाना है, क्योंकि ये बहुत दुख दे रहे बहुत दिनों से। अपने आप को राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बता रहा है और अपने आप को पदाधिकारी बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो हम भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन एवं जिला अध्यक्ष से मिलकर भी ऐसे लोगों को पार्टी संगठन से निष्कासित करने की समाज की ओर से मांग करते हैं, कि जिससे पार्टी और समाज के लोगों का आहित और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। जी आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है किस संदर्भ में था? जो राजपूत समाज के खिलाफ बोला गया है, दयाचंद यादव जो भारू समाज से है, उसने अगर मतलब राजपूतों के खिलाफ बोला है तो उसको हम सहन नहीं कर रहे। तो ये दयाचंद है कौन सर? दयाचंद एक भारू समाज का व्यक्ति है, जाति उसकी भारूर है, भाजपा का कार्यकर्ता है। वो क्या भाजपा का है, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी से भी जुड़ा हो, बाकी आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका नाम लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है। वो मुख्यमंत्री के साथ खाना खाया, मैंने फलाने मंत्री के साथ खाना खाया, और इस तरीके सांसद के साथ खाना खाया, इस तरीके से ढोस दे करके और राजपूत समाज के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उसका हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये हमारा ये जो आज जो ज्ञापन सौंपा है किसी बैनर के तले या राजपूत समाज? नहीं नहीं, समाज की ओर से सौंपा गया है, सर्व राजपूत समाज है, यहाँ न कोई भारतीय जनता पार्टी है न कोई कांग्रेस है, हम एक राजपूत समाज के लोग एकत्रित होकर के आज ज्ञापन देना है। आगे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? अगर उसको दो रोज के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम यहाँ जय स्तंभ चौराहे पर धरना दे करके हम उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। हमारे से जो भी होगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हमारे राजपूतों के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ हमेशा विरोध में हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया का आजकल लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके भड़काऊ वो चीज़ें डाल करके और समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम ऐसी चीज़ों के और ऐसे व्यक्तियों के सख्त खिलाफ है और ऐसी इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे समाज में और सभी में सामंजस्य बना रहे। ऐसे सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।